सो हाई एवरी वन, वेलकम इन लर्न विद ज्ञान। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे NSIT की, जो कि अब बन चुका है NSUT, यानी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, अभी यूनिवर्सिटी बन गया है। और ये भी बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना होके बेसिकली अभी दिल्ली स्टेट के अंदर आता था। पहले ये बेसिकली DU के अंदर आता थी, जो भी इसके सर्टिफिकेट मिलती थी वो DU के अंदर मिलती थी। अभी खुद से यूनिवर्सिटी बन चुका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर आता है NSUT। ओके, और NSUT के बारे में बता दूँ मैं, NSUT काफ़ी अच्छा कॉलेज है और इसकी कंप्यूटर साइंस DTU से भी अच्छी मानी जाती है। बिलीव मी, NSUT का उतना नाम नहीं है जितना बेसिकली दिल्ली में इसकी काफ़ी नाम है, लेकिन बाकी स्टेट में NSIT को उतना अच्छे से नहीं दिखाया जाता जितने अच्छे से DTU को दिखाया जाता है। DTU इज़ लाइक बहुत ब्रांड कॉलेज है। NSIT में बता दूँ, कंप्यूटर साइंस NSIT की DTU से काफ़ी अच्छी है। उनका वहाँ का जो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, कोडिंग बैकग्राउंड है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप दूसरे ब्रांच में भी हो या कुछ और भी, में कुछ दोस्त हैं जो कि बेसिकली नॉन टेक्निकल है, वो भी काफ़ी अच्छी कोडिंग, वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसी है कि आप नॉन टेक्निकल ब्रांच लेके भी वहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे कोडिंग के लिए प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो अगर आपकी अगर पहले यहाँ पे एडमिशन ही हो जाती है NSIT में, तो आपकी काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप दिल्लीट हैं तो बहुत जल्दी एडमिशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी तक रैंक जाती है। मतलब टॉप 50,000 में मैं अच्छे बच्चे को मानता हूँ। मुझे लगता है कि जो टॉप 100, टॉप जिनकी 1.5 लाख के अंदर रैंक आई है या 1 लाख के अंदर आई है, सिर्फ उन्हीं को इंजीनियरिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जो या 2 लाख तक ले सकते हैं, कि जो टॉप 2 लाख के बच्चे हैं 11 लाख में से, उन्हीं को केवल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। या बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से कोई भी, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में बेसिकली ये 2 लाख की ज़्यादा फिट बैठते हैं, क्योंकि वहाँ से जेई का उनका टैलेंट का पता चल जाता है। ठीक है, उसके बारे में बाद में मदद करेंगे, और फिलहाल देख लेते हैं कि इसकी प्लेसमेंट और इसकी कैंपस कैसी है। NSIT की कैंपस DTU इतनी बड़ी नहीं है, इसको मैंने पहले बताया था, DTU बहुत ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है, NSIT कम एकड़ में फैला हुआ है। बट NSIT की बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट इसकी जो प्लेसमेंट है वो उतनी ही अच्छी है जितनी DTU की है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों प्लेसमेंट के लिए आते हैं, बेसिकली 12 किलोमीटर से दूर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। नेक्स्ट थिंग बात कर लेते हैं, इसकी जो आउटलुक इंडिया में रैंक है वो 8th है, और NIRF रैंक इसको दी नहीं गई है। इंडिया टुडे रैंक इसकी बेसिकली 2016 में बताई गई थी 10th, और आउटलुक जो कि इंडिया की मैगजीन है, वो बेसिकली उसने इसकी जो रैंक दी है इंजीनियरिंग रैंक, वो 8th दी है। 8th इसीलिए दी होगी क्योंकि यहाँ के कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड को देख के। ठीक है, जेई मेन एग्जाम यहाँ भी कोई आपके 75% वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 60% जी की और मार्क कीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जय काउंसलिंग के बारे में बताया था मैंने, जय काउंसलिंग मैंने पहले ही बता रखा है, जय काउंसलिंग के थ्रू ही NSIT DTU एंड NSSSI का एडमिशन होता है। ठीक है, इसके बारे में अपडेट मैं देता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कटअप रैंक, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर भी बताता रहूँगा मैं। सो बेसिकली कट ऑफ रैंक इसकी देख लेते हैं, इसकी जो कंप्यूटर साइंस है वो उससे जल्द पहले बंद हो जाती है, मैं बता दूं आपको, अगर DTU से पहले। ठीक है, तो अगर आप राउंड 6 की देखें, तो बेसिकली आप देख सकते हैं डिलाइट के लिए 4,377 दिल्ली के बच्चों के लिए बंद हो जा रही है यहाँ पे, जो दिल्ली रीजन, जहाँ की 85% रिजर्वेशन सीटें। पहले प्लस पॉइंट ये है कि NSIT में कम सीटें हैं, DTU में ज़्यादा सीटें हैं, ये भी एक, इसलिए भी यहाँ इसकी कट ऑफ कम दिख रही है आपको। तो 4,377, जबकि आपको DTU में आपको बेसिकली 10,000 तक गई थी कंप्यूटर साइंस, और इसकी इसमें एक IT ब्रांच भी है, IT ब्रांच आपको मिल रही है 10,000 तक। ठीक है, लेकिन मैम मुझे लगता है IT और CS में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल बच्चे प्रेफर नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 90,000, बायोटेक्नोलॉजी 49,000, और बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल 33,822। ओके, 33,822 में आपको मिल जाएगी बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलो, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो अगर आप कितनी रैंक है, तो मुझे जरूर लगता है कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आपको 40,000 तक मिल सकती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली आपको 2,000 आउटसाइड के लिए है तो, और सबसे ज़्यादा जो बेसिकली है 17,000 तक आपको मिल सकती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, 17,000 है, तो आई होप कि अगर आप कोई और कॉलेज में बेसिकली NIT मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। OBC की बात करें, आपको जैसे पता है कि दिल्ली के लिए OBC में बहुत ज़्यादा रैंक जाती है, तो 23,000 तक आपको कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगी, और जो बेसिकली कम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 51,000 तक, और बेसिकली सबसे ज़्यादा रैंक जाती है वो जाती है बायोटेक्नोलॉजी को है 4,74,000। अब आप सोच रहे होंगे इतनी रैंक क्यों जाती है OBC, क्योंकि दिल्ली की ये दिल्ली का OBC चाहिए होता है, कहीं और का OBC नहीं चलेगा, ये सिर्फ दिल्ली का OBC चलेगा जो कि दिल्ली सरकार द्वारा गारंटेड हुआ। नेक्स्ट थिंग, बायोटेक्नोलॉजी 32,000, और सबसे ज़्यादा जो गई है बेसिकली आउटसाइड दिल्ली के लिए OBC, वो गई है 33,000 इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये ऑल इंडिया रैंक है, नॉट की OBC रैंक, SC का मैं बता रहा हूँ, SC की गई है सबसे ज़्यादा बेसिकली 4 लाख
4,11,677, ठीक है, 4,11,677 ये सबसे ज़्यादा गई है। बैटरी टेक्नोलॉजी की कंप्यूटर साइंस 64,000 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,30,000, ओके ये सबसे ज़्यादा गई। बैटरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे देख सकते हो 1,29,000, ये काफ़ी ज़्यादा रैंक मुझे दिख रही है, लेकिन फिर भी एन एस आई टी में अगर आपको बैटरी टेक्नोलॉजी मिल जाती है, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,30,000 में, तो काफ़ी अच्छा है। एस सी एस टी वालों को रिजर्वेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आपको यहाँ पे साफ दिखता होगा जनरल के कंपेयर में। और एस टी की बता दूं मैं, इसके बैट ओनली 96,000 तक, ये जो भी रैंक आप देख रहे हैं कैटेगरी रैंक नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक है। आपके साथ साथ जो भी आपकी कैटेगरी रैंक आती होगी, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो, जो भी सबकी एक ऑल इंडिया रैंक जरूर आती होगी, उस ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे जैक काउंसलिंग करता है। ये जैक काउंसलिंग कभी भी कैटेगरी रैंक पे नहीं करता, ठीक है। तो अभी देख लें, 10 लाख तक यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो ये सबसे अच्छी बात है एस टी का। लेकिन ध्यान रहे, एस टी जो है बेसिकली दिल्ली से होना चाहिए, तभी आपको इसमें हो पाएगा, और वो भी यहाँ पे 85% रिजर्वेशन होता है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे आप कटअप दिखने को मिल रही है अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। ये बेसिकली अमाउंट डी टी यू जैसा ही है, मैंने बताया था कि 1,50,000 शुरुआत में होगा, फिर उसके बाद बेसिकली फीस बढ़ती जाती है। नेक्स्ट थिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉस्टल का फीस, जो कि ज़्यादा नहीं है। प्लेसमेंट, इसकी भी प्लेसमेंट उतनी अच्छी है जितनी डी टी यू की है। इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट बेसिकली 1 करोड़ तक तो जाती है। अगर फॉरन प्लेसमेंट की बात करें, अगर बेसिकली इंडिया इंडिया के अगर ग्राम इंडिया के डोमेस्टिक प्लेसमेंट की बात करें, तो बेसिकली ये जाती है 30 लाख तक। एंड एवरेज प्लेसमेंट इसका भी कंप्यूटर साइंस या जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, वो 10 से 15 लाख के बीच में एवरेज प्लेसमेंट होती है। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी आती है, सेंचर वगैरह तो हाँ बहुत छोटी कंपनी है, बहुत माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी कंपनी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये थी आज के बारे में, जो भी एन एस आई टी के बारे में। आपका क्या कमेंट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और किसी कॉलेज का रिव्यू करना हो तो उस कॉलेज का भी रिव्यू करेंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। डी टी और एन एस आई टी में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लें, क्योंकि दोनों कॉलेज अपने अच्छे हैं। कंप्यूटर साइंस लेना अगर आपको ज़्यादा कोडिंग के बारे में पढ़ना है, तो मैं फिर प्रेफर करूंगा कि आप एन एस आई टी लें। सेकेंड थिंग, अगर आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप एक नीचे एक लिंक दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पहले से ही ज्वाइन हो रखे हैं। धन्यवाद।